गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। इसमें हम लोगों ने समर वेकेशन से पहले कुछ लेसन कंप्लीट किए थे, 1 और 2। तो आज हम आगे बढ़ेंगे 3rd लेसन के साथ। तो आप अपनी बुक अपने पास रखिए, अपनी कॉपी अपने पास रखिए, और जो आपको पढ़ाया जाए उसको ध्यान से सुनिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक अपने पास ओपन करके बैठिए और इसमें देखिए हम आज क्या पढ़ रहे हैं। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं आज लेसन नंबर 3, ठीक है। क्योंकि हम 1 और 2 लेसन तो पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 जो कि है हमारा नाउंस, ठीक है। नाउंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं, पहले तो आप बताइए कि नाउन क्या होता है। नाउन की डेफिनेशन आपको आती होगी, आप स्टार्टिंग से ग्रामर में नाउन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या है? नाउन किसी चीज़ का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जहाँ पे भी किसी चीज़ का नाम आता है, जैसे हम बोलें राम, ठीक है, हम बोलें पंखा, टेबल, चेयर, एलिफेंट, लॉयन, दिल्ली, बॉम्बे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब जो भी नाम लिए जाते हैं ये नाउन होता है। सुनिए, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति, एनी प्लेस, किसी जगह, एनिमल, किसी जानवर और थिंग, या तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या फिर किसी जानवर का नाम। तो ये सब किस में आते हैं? नाउन में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है हमने। जो ये पोर्शन है हमारा, इसको हम आपको पता है लास्ट में करते हैं जब हम लेसन को पढ़ लेते हैं या समझ जाते हैं। अगर लेसन आपको समझ आ जाता है तो आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कलर द नाउन्स इन द पिक्चर इन द गिवन कलर कोड। तो इस तरह से आपको बोला है कि प्रॉपर नाउन पे ऐसा कलर, कॉमन नाउन पे ये, कलेक्टिव नाउन पे ऐसा, ठीक है। तो ये हमें कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं। हमने ये देखना है कि इसमें से, जैसे कि एक क्लाउड बना हुआ है, तो हमने देखना है कि ये शीप, ये जो शीप है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है। लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब हम लेसन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम आगे बढ़ेंगे लेसन के साथ। तो देखिए ध्यान से सुनिए आप। वी नो दैट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन या तो किसी जगह का नाम होता है, किसी पर्सन का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी एनिमल का नाम होता है या फिर किसी थिंग का नाम होता है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स। हमने 3 नाउन के बारे में पढ़ा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं नाउन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। नीचे आ जाइए। हियर इन दिस चैप्टर वी शैल रीड मोर अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो इस चैप्टर में हम नाउन्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो देखिए क्या होते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नाउन्स मे बी द नेम्स ऑफ, नाउन क्या होते हैं, किसके नेम्स हो सकते हैं, देखिए बॉयज, ठीक है, बॉयज, मैन, वुमेन, गर्ल, ठीक। अब देखिए डेज एंड मंथ, कंट्रीज, सिटीज, विलेजेस, फेस्टिवल्स, एयरपोर्ट, पार्क, बिल्डिंग, ओशियन, रिवर, माउंटेन, लेक्स, आइलैंड। और इधर देखिए, जैसे कि ये दिया, पहले हम बोलते हैं बॉय बॉय, लेकिन जब हम बॉय का नाम बोलते हैं तो जैसे समीर, रोनाल, मिसेस रहमान, मिसेस राव, स्वाति, जरीना। डेज और मंथ बोलते हैं तो डेज में आ जाता है आपका फ्राइडे और मंथ में आ जाता है आपका मार्च। कंट्रीज़ के नेम लेते हैं तो इंडिया, सिटी दिल्ली, विलेजेस रामपुर। फेस्टिवल बोलते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं
दीपावली, क्रिसमस, ईद, गुरुपूरब। एयरपोर्ट्स, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नेहरू पार्क, बुर्ज खलीफा। इंडियन ओशियन, यमुना, हिमालया, जल लेक, मालदीव्स। ठीक है, तो ये देखिए कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन में आते हैं आपके बॉयज, मैन, वुमेन, गर्ल्स। एंड जब हम बॉयज मिक्सी का नाम लेते हैं, राम, श्याम, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? प्रॉपर। उनका हम जब नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉपर हम उनका नाम ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। तो ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या है? वो नाम है जो कॉमन तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी एनिमल को और किसी थिंग को कॉमन तरीके से जो नाम दिए जाते हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। समझ गए आप? कॉमन नाउन में आते हैं हमारे, जैसे हम बोलेंगे बॉयज, मैन, वुमेन, गर्ल्स। अभी हम इनके नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम एक कॉमन चीज़ बोल रहे हैं, बॉयज। तो बॉयज़ में कोई भी बॉय हो सकता है, जैसे राहुल हो सकता है, संदीप हो सकता है, कुलदीप हो सकता है। तो ये नाम क्या है? बॉयज़, मैन, वुमेन, गर्ल्स आ गए आपके कॉमन में। और लेकिन जब हम इनको एक नाम दे देते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, तो ये तब हो गए प्रॉपर, क्योंकि हम उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ एक्सरसाइज दी है, देखें उसको। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन द स्टोरी। अलादीन वॉज अ पुअर बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। वन डे ही फाउंड अ वंडरफुल लैम्प इन अ केव। इट हेल्प्ड हिम बिकॉज द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री, ही मैरिड अ प्रिंसेस एंड फाइनली बिकेम द किंग। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसको? आपने इसको रीड करना है अपनी कॉपी में। आपने, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं आपको अभी सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि आपको सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाता है। तो अभी देख लेते हैं मैं आपको क्या दे रही हूँ उसमें। ये देखिए, आपने करना है अपनी कॉपी में, आप ये लिखेंगे यहाँ से अपनी कॉपी में, ठीक है। नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे आप यहाँ से। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक। उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ, आप अपनी कॉपी में इस तरह का एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे कॉमन नाउन, इस साइड आप लिखेंगे कॉमन, और ये हो गया आपका प्रॉपर, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, और इसके बाद आप ये वाला पैराग्राफ भी अपनी कॉपी में उतारेंगे, और उसमें मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी आपको इसको समझना है कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपका काम है जो मैंने आपको दिया, नाउन की डेफिनेशन, प्लस आपने ये चार्ट अपनी कॉपी में बनाना है, और ये वाला ए वाला जो है ये आप अपनी कॉपी में पैराग्राफ उतारेंगे, ठीक है। तो इसे ढंग से एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।